हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक यूजलेस दिया है। इसे अक्सर हम यूज़ करके फेंक दिया करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसका एक क्राफ्ट बना के आपको दिखाऊं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक ये यूजलेस दिए से एक खूबसूरत सा डेकोरेटिव पीस बनाऊंगी। ये मैंने वॉल पुट्टी का डो लिया है, जिससे सिर्फ पानी के सहारे इसको एक सॉफ्ट डो बना लिया है। और मैंने वॉल पुट्टी के छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। ये बड़े बॉल्स से मैंने दिए का जो जहाँ पे बत्ती होती है ना, तो वहाँ पे मैंने हेड का शेप दिया है। और चार छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं, जिससे मैंने दो पैर का शेप दे दिया है और दो टॉर्टॉइस के हाथों का शेप दे दिया है। और बस पानी के सहारे इसको बहुत इजीली मैं चिपकाते जा रही हूँ, क्योंकि अभी डो हमारा गीला ही है, तो बहुत इजीली ये चिपक जाएगा और इसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना इजीली हमने एक पुराने दिए को टॉर्टॉइस का शेप दे दिया है। फ्रेंड्स, टॉर्टॉइस हमारे घर को डेकोरेट करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अकॉर्डिंग टू फेंग शुई भी टॉर्टॉइस को घर पे रखना बहुत लकी माना जाता है। अब मैंने एक प्लेट में टॉर्टॉइस को ले लिया है, वो इसलिए क्योंकि मेरे विंडो पे कुछ देर के लिए धूप आती है, तो मैं वहाँ इजीली इसे सुखा पाऊँ। ये देखिए, दो तीन घंटे की धूप लगने के बाद ये कितने अच्छे तरह से सूख के तैयार है। अब मैं इस पे थोड़ी सी डिटेलिंग करूंगी। फ्रेंड्स, इस टॉर्टॉइस को आप अपने इच्छा के अनुसार अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसा भी आपको इच्छा करे, आप वैसा डिज़ाइन इस टॉर्टॉइस में बना सकते हैं और कुछ देर सूखने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद ये कलर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब हम ऐसे ही थोड़े से एफर्ट से किसी कबाड़ से जब बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम बना के अपने घर को आप डेकोरेट करेंगे, तो आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टॉर्टॉइस सूख के कलर करने के लिए कम्प्लीटली रेडी है। अब हम इसमें एक्रेलिक कलर से कलर करेंगे। कलर का सिलेक्शन पूरी तरह से आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है या फिर जो भी कलर आपको पसंद है, आप वो कलर अपने टॉर्टॉइस पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कोट के ड्राई हो जाने के बाद मैं इस पे सेकंड कोट भी अप्लाई करूंगी। और एक्रेलिक कलर के दो कोट करने के बाद बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे टॉर्टॉइस के बॉडी में जो हमने रेड कलर किया था वो सूख चुका है। अब टॉर्टॉइस के फेस और दोनों हाथ और पैर में कलर करूंगी और इसे भी कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दूंगी। जब आप इतने कम खर्च में और इतने कम एफर्ट से इतने खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम बना के जब आप अपने घर को डेकोरेट करेंगे, तो फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अब मैं टॉर्टॉइस के बैक साइड में, ये देखिए फ्रेंड्स, आप चाहें तो फुल कलर कर सकते हैं, पूरी तरह से कवर कर सकते हैं दिए को बैक साइड से भी, पर मैं बस बॉर्डर पे ही कलर कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी बैक साइड जो है वो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं बस बॉर्डर पे ही कलर कर रही हूँ। कलर के कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद मैंने आगे का डिटेलिंग करने के लिए, ये देखिए फ्रेंड्स, अपने फिंगर टिप पे गोल्डन डस्ट कलर लिया है, जिससे मैं अनइवनली स्प्रेड कर रही हूँ। हमने टॉर्टॉइस का जो ऊपर में डिटेलिंग किया हुआ था, वो देखिए गोल्डन कलर से कितना खूबसूरत लुक आ रहा है उसका। रेड में गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं रेड में गोल्डन का कलर यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एक बार आप ये क्राफ्ट ज़रूर ट्राई करें और अपने हाथों से क्राफ्ट बना के अपने घर को डेकोरेट करें, इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। टॉर्टॉइस को और अच्छे तरह से डेकोरेट करने के लिए
मैंने एक स्टोन पीस लिया है तो जिसे फेबिकॉल लगा के टॉर्टॉइस के मिडिल में मैं चिपका रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारा क्राफ्ट बनके पूरी तरह से रेडी है। लग रहा है ना ये बाजार से लाए हुए किसी शोपीस से कहीं ज़्यादा खूबसूरत। ये देखिए फ्रेंड्स, वो भी हमने एक पुराने दिए से बनाया है। मैंने सेम इसी प्रोसेस से एक बड़े और पुराने दिए को रीयूज करके ये देखिए एक और टॉर्टॉइस बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा क्राफ्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।